पाकिस्तान की आदत पुरानी है, दूसरों पर जुल्म करता है और फिर दिखावे के लिए रोता भी रोता है। ये असलियत अब पूरी दुनिया जान गई है, इसलिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अब कोई सीरियसली नहीं लेता। एक इंटरेस्टिंग खबर आपको दिखाता हूँ, इसके उलट है। असल में पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के अधिकारियों को परेशान किया गया। बीते एक साल में हालात बस से बदतर हो गए। जो हमारा हाई कमीशन है पाकिस्तान में, और जो इतने सारे मुद्दे हमारे पास हैं जो जिनके साथ हम जूझ रहे हैं और जिनको हमने पाकिस्तान के साथ टेकअप किया हुआ है काफी महीनों से, उसमें से किसी का भी समाधान हमें अभी तक उनसे नहीं मिला है। हम उनके साथ ऐसे मुद्दे डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू उठाते हैं, गुड फेथ में उठाते हैं, और हमने ये उनसे डिमांड भी किया है कि जो इश्यूज हमारे हैं उनको वो रिजॉल्व करें, जिससे हमारे जो डिप्लोमेट हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं उस मिशन में, उनका उनकी जो सेफ्टी है, उनकी सिक्योरिटी, उनको हम गारंटी कर सकें। हम चाहते हैं कि हमारा मिशन जो इस्लामाबाद में है उसकी उसकी जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल हो, उसमें कोई हरासमेंट नहीं हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, और एक जो हमारा वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961 है उसके तहत जो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए और जैसे एक मिशन को फंक्शन करनी चाहिए वो सारा हमें प्रदान हो। भारत की तरफ से अब तक संयम बरता गया, प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया, मीडिया से बात करने के बजाय पाकिस्तान की अधिकारियों से बात की गई, लेकिन पाकिस्तान ने उल्टे भारत पर ही अपने अफसरों को परेशान करने का इल्जाम लगा दिया। Our High Commissioner in New Delhi has been asked to come to Islamabad for consultations. The Indian Deputy High Commissioner, Mr. J.P. Singh, was summoned to the Foreign Office and a strong protest was lodged at the maltreatment being meted out to the officials and families of the Pakistan High Commission in New Delhi. The total apathy and failure of the Indian government to put a halt to these despicable incidents, sparing not even young children, indicates both a lack of capacity to protect foreign diplomats posted in India or a more reprehensible, complicit unwillingness to do so. जवाब में विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने हाई कमिश्नर को सलाह मशवरे के लिए बुलाना ये रूटीन प्रोसेस है, पाकिस्तान उसे अलग कलर दे रहा है। He has been called back for consultations. Now, it is pretty normal for an ambassador, high commissioner in any country. For example, the resident ambassadors and high commissioner who are in India, they go back to their capital to hold consultations with the foreign office. So this is pretty normal and therefore pretty routine also in nature. हमने जो पाकिस्तान ने जो मुद्दा उठाया है हमने उसको उसको देखा है। हम इसका रिप्लाई जो है मीडिया के थ्रू नहीं करना चाहते हैं, बट जो हमारा जो एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक चैनल है उसको थ्रू उसके थ्रू हम करना चाहते हैं। इस समय मैं इतना बता सकता हूँ कि हम इस उन्होंने जो हमारे साथ उठाया है उसको उस पर हम उसको हम देख रहे हैं। पाकिस्तान की आदत पुरानी है, दूसरों पर जुल्म करता है और फिर दिखावे के लिए रोता भी रोता है। ये असलियत अब पूरी दुनिया जान गई है, इसलिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अब कोई सीरियसली नहीं लेता। एक इंटरेस्टिंग खबर आपको दिखाता हूँ।